एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होगे। और ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं इनकी मम्मा इनके लिए खाना लाने गए होंगे शायद से। और देखिए, राखी के पहले दिन या शाम में ही ये हुए हैं। वैसे ही ना, जो यूटिलिटी एरिया है हमारे किचन के बाजू में, वहाँ पर भी दो घोंसले बना के हैं, दो दो अंडे हैं, लेकिन उनके मम्मा है ही नहीं, विजिबल है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए उन लोगों को छोड़कर। ये सातों में थे, तो ये देखो ये अभी रक्चर हुए हैं, लेकिन वो पता नहीं, वो तो ऐसे ही पड़े हैं, हमने हाथ भी नहीं लगाया। वहाँ पर क्लीनिंग करने की सोच रहे थे, फिर वो लगा आज ना कल, कल ना परसों वो आएंगे, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं, वह वैसे ही के वैसे ही पड़ा है। तो अब देखते हैं, ये सब जब ये चले जाएंगे ना, तब वो भी हम इसको हटा कर वो भी हटा देंगे। अच्छा नहीं लगता, पता नहीं, हम यहाँ पर आए हैं ना तब से ये ही चल रहा है, हर दो महीने में ढाई महीने में यहाँ पर कोई ना कोई घोंसला बना ही रहे हैं। केयरफुली काम करना होता है, जब पानी डालते हैं पौधों में तो लगता है कि उनके ऊपर ना आ जाए। और देखिए, इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, हमें लगा ये अलग अलग कलर के हैं, लेकिन देखने में सेम ही कलर लग रहा है, लेकिन लेते समय अलग ही लग रहा है। शम्मी का पौधा, हमें पता नहीं था कि गणेश जी के ऊपर भी शम्मी चढ़ता है करके, लेकिन पिछले बार हम गणेश मंदिर में गए थे तो वो शम्मी पत्र के नाम से ही जाने जाते थे गणेश जी, वो हमने शेयर करा है। और देखिए, मॉर्निंग में इतना सारा काम, इतने सारे बर्तन, सुबह वो रात में हमने साफ करके रखे थे, और सुबह में किचन क्लीन ही रहता है सुबह के टाइम में, मोस्टली हम रात में ही क्लीनिंग करके रखते हैं, क्योंकि सुबह में बहुत ढेर सारा काम होता है और हम एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, तो इस वजह से सब कुछ एक टाइट समय पर बिताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस अगर जहाँ से चीज़ें लेते हैं वहीं पर हम रखते हैं तो वो सब चीज़ें सही हो जाती है, और अगर हम हड़बड़ाहट करेंगे, वही की चीज़ वही छोड़ देंगे, तो फिर सुबह के टाइम में जितनी परेशानी हो जाएगी उससे ज़्यादा दोपहर में परेशानी हो जाएगी, क्योंकि दिन भर हम काम में लगे पड़ेंगे, दोपहर का जो काम है वो हम रात में करेंगे, ऐसा सा ये हो जाएगा। इस वजह से हम जब जब कोशिश करते हैं ऐसा हमेशा ही कर नहीं पाते, क्योंकि बहुत ढेर सारे काम होते हैं। और अभी जन्माष्टमी है, त्यौहार है, तो हर कोई कोना कोना हम साफ़ कर रहे हैं, हालांकि जगह जगह पर हम साफ़ सफाई रखते ही है, लेकिन ऐसा हो जाता है ना कभी कभार के कहीं के जो पेपर है वो चेंज करना पड़ता है, या जाले हटाना पड़ता है, या जो हिडन जो कोने होते हैं जहाँ पर हम हाथ नहीं जाता, वहाँ पर वो हम निकाल कर साफ़ करना होता है। देखिए, ये चावल बना रहे हैं, बैंगन की सब्ज़ी है, ग्रेवी वाले बनाए हैं, इस वजह से खुले में चावल चढ़ा है, नहीं तो दाल चावल का हम कुकर लगाते हैं। और ये चले गए हैं, तो अब जो भी खाने वाले जो बर्तन है वो हमने जो वॉशिंग मशीन है ना उनके ऊपर रखे हैं, ये हम हमारे लंच टाइम होने के बाद हम इसको साफ़ करके रखेंगे। यही शेड्यूल है, यही हम करते हैं, क्योंकि दिन भर हम बार बार बर्तन तो साफ़ नहीं कर पाएंगे ना, इस वजह से वो हम एक बड़े से भगोने में निकाल कर रखते हैं कि जब भी हमको टाइम मिलेगा तो दोपहर में तो ये करें। इस टाइम पर हमारी पूजा वगैरह सब कुछ हुआ है, लेकिन जो सुबह में फूल है ना वो खिलते नहीं है, क्योंकि हमारी पूजा तो 5:30-6 बजे ऑलमोस्ट हो ही जाती है, तो उस टाइम पे थोड़े थोड़े फूल खिलते नहीं है, इस वजह से रुक जाता है। और जो भी काम होते हैं उसके पहले हम पूरे रूम का जो भी सामान है जगहों पे रख देते हैं, रूम का और पूजा रूम का झाड़ू निकालने के बाद हम पहले पूजा ख़त्म करते हैं, फिर उनको खाना पकाते हैं, खाना पकाते साथ ही हम जो भी लिविंग रूम का है, मोस्ट टाइम ऐसा हो जाता है कि हम रात में ही जो भी रिमोट है या कोई ग्लास है या प्लेट है वो हम अपनी जगह पे रख देते हैं। और देखिए, हम सुबह में जब भी पूजा करते हैं तो लड्डू बाबू को यहाँ पर सामने में रखते हैं, जब हम दोपहर में थोड़ा सा सोते हैं या नैप लेते हैं तो फिर उस टाइम पर हम उन्हें अपनी जगह पर विराजमान करते हैं, दोपहर में हम उनको नहीं सुलाते, हम उनको सिर्फ प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि आप भी रेस्ट कर लीजिए करके, और फिर हम भी सोते हैं। फिर में हम उठे हैं ना तो थोड़ी सी हमें थकावट हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम एक मिनट भी नहीं बैठते हैं, सुबह का चाय हमने छोड़ दिया है, सिर्फ गुनगुना पानी पीते हैं, और इस टाइम पर सब कीर्तन भजन चालू रहता है, जब तक राजू जी चले नहीं जाते हमारा लिविंग रूम क्लीन नहीं होता, बेडरूम क्लीन नहीं होता। हर मंडे हम बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं, उनका चेंज करते हैं, कभी लगता है ना 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद थोड़ा सा ख़राब हो जाती है जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता है ना बेडरूम इस वजह से, और वो हम बार बार चेंज करते हैं, या 2 सप्ताह में 2 बार तो चेंज होती है। हम भगवान जी के कपड़े भी डेली बेस पर नहीं धोते हैं, जब त्यौहार वगैरह आता है तो उस टाइम पर हम कपड़े धो देते हैं। ऐसे छोटे छोटे पराठे बने हैं, इसके साथ हम दूध देंगे और यहाँ पर माखन डालकर उनको भोग लगा देंगे। अच्छा लग रहा है, जैसे जो बनता है वैसे, अगर लहसुन प्याज का छोक नहीं लगता है तो वो ये हम ऐसे ही बना देते हैं। कभी कभी ना पोहा वगैरह बनता है तो प्याज डाला जाता है उसमें, तो फिर वो हम बघारे वाले जो पोहे हैं ना वो बाजू में हटा देते हैं और अलग से बना के उनको देते हैं। माखन मिश्री का ज़्यादातर भोग लगता है।
कुछ काम ख़त्म करने के बाद, बर्तन वगैरह निकालने के बाद ये थोड़े बचे हैं, जब लंच टाइम में खाना खाएंगे ना तब हम इसे निकाल देंगे, अभी निकालेंगे क्योंकि, लेकिन अभी बर्तन साफ़ नहीं करेंगे ना, इस वजह से हमने यहाँ पे रख दिया है। और ये है गर्मा गर्म चाय, बहुत इस टाइम पे थोड़ी सी थकावट हो जाती है हमें, तो देखो नाश्ता हम चपाती खा रहे हैं और इसके चाय चपाती खा रहे हैं, अदरवाइज़ कभी पोहा बनता है, कभी उपमा बनता है, या कभी साबुदाने की खिचड़ी बनती है, या फिर कभी सेवया बनती है, बहुत अलग अलग टाइप का खाना बनता है। लेकिन आज क्या ना, राजू जाना नहीं जाना ऐसे हो रहा था, परसों के दिन हम गए थे गणेश मंदिर में, तो वहाँ से आने के बाद ना थोड़ी सी तबीयत सी ख़राब हो गई थी राजू जी की, इस वजह से तो फिर वो जाएंगे नहीं जाएंगे इसमें कश्मकश में वो रुक गए थे। फिर वो बोले कि नहीं ठीक लग रहा है, तो चलो ये आटा है अभी पिसवा के लाया है, कल रात में पिसवा के लेकर आए थे, और तो फिर वो बोल रहे थे कि जाए ना जाए करके, फिर बोले टाइम पर जाएंगे करके, तो फिर फटाफट खाना वाना पका कर फिर उसी में ही हमने ये आटा, सिंपल का सिंपल सा आटा, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालकर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालकर उसके पराठे बनाए हैं। में ही हम ड्राई फ्रूट भिगो के रखते हैं, वो हम कप में रखते हैं जहाँ पर सुबह में हम नाश चाय वगैरह पीने के पहले वो खाते हैं। और देखिए दोपहर का टाइम है, तो हम ना थोड़े से गुलाब जामुन बना रहे थे भगवान जी को भोग लगाने के लिए, सोच रहे थे ना कि रक्षाबंधन है, तो फिर हमने घर पे फ़ोन लगाया तो वो बोल रहे कि हाथ पे तो बांध सकते हो लेकिन भगवान जी के ऊपर आप बांध नहीं सकते करके। तो फिर हमने सोचा कि चलो, हमने इतनी सारी राखी परचेस करी है, 2-3 साल हो गए हम राखी खरीद रहे हैं, लेकिन वो भगवान जी को क्या बांध नहीं पा रहे हैं। जैसे हम वार्डरोब पे लगाते हैं, दरवाजे पे जो मेन डोर होता है वहाँ पर हम लगाते हैं, तो वो सब तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कन्फ्यूजन था कि राखी 30 तारीख को है या 31 तारीख को करें, ये सब वो भी कश्मकश थी, फिर वो भी करना है नहीं करना है ये सब भी चल रहा था। लेकिन हमें हमारे घर में जो सूतक काल है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो 1 साल उनको लगेगा, तो फिर वो रक्षाबंधन तो हमने ऐसे मनाया ही नहीं। बहुत खुशी होती है हमें कोई त्यौहार त्यौहार आते हैं तो, लेकिन बहरहाल हमसे तो कुछ हम एंजॉय तो कर ही नहीं पा रहे। लेकिन ऐसे मतलब पूजा से ही तो शुरुआत होती है ना, हमें ऐसा लगता है कि जो भी किसी की भी शुरुआत होती है तो पूजा से ही तो होती है, अगर पूजा ही ना कर पाए और रैंडमली ऐसे ही करे तो क्या ही कर लेना करके। तो बहरहाल ये सब तो चलेगा, कोई रीति रिवाज ऐसे हो जाते हैं कि जो चाह कर भी मानना पड़ता है या ना चाह कर भी मानना पड़ता है, यही तो सब कुछ चल रहा है ना ऐसे। और कभी कभी हो जाता है, मन ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर राजू जी ने दोपहर में फ़ोन करा था, ये 4 या 5 बजे फ़ोन करा था कि तैयार करके रखना, इनकी जनरल डे थी तो फिर 5:30 बजे वो आने वाले थे, तो ये शाम में प्रोग्राम था। कोई जी के कोई कलीग थे, उनका रिटायरमेंट था, और देखिए कितने बराबर से दिन जा रहे हैं ना, 2024 इतने सारे रिटायरमेंट आ रहे हैं। हम जहाँ पर रहते थे ना क्वार्टर पर रहते थे, उनके यहाँ पर भी रिटायरमेंट है, लेकिन टाइम है उनके लिए। और देखिए यहाँ पर रंगोली वगैरह इतनी अच्छे से बना के रखी है, सिंपल सी है लेकिन बहुत खूबसूरत सी लग रही है। हमें ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें हो जाती ना, कोई त्यौहार हो जाता है या फिर कोई ऐसे प्रोग्राम घर पे करते हैं, या चाहे कोई प्रोग्राम ना रहे लेकिन फिर घर को ऑर्गेनाइज करना, कोई डेकोरेशन करना, एक जो भी माहौल होता है, हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें हम पिकअप कर लेते हैं। हमें बहुत पसंद आता है कि कोई डेकोरेशन के जैसे बैक स्टेज बनाना है, देखिए यहाँ पर पूरा फ्लावर का काम करा था, और बहुत उनका बर्थडे भी था, बर्थडे तो पहले ही हुआ होगा लेकिन ये एंडिंग में रिटायरमेंट हो जाते हैं, मंथ के एंडिंग में रिटायर्ड हो जाते हैं ना, तो देखो कितना खूबसूरत सा ये उन्होंने डेकोरेशन करके रखा था। और सभी ने एक जैसे ही कपड़े पहने थे, ऐसे लग ही नहीं रहा था, जैसे शादियों में ना आजकल ट्रेंड चल रहा है वैसे सा यहाँ पर सीन था। और देखिए केक भी बहुत खूबसूरत सा बना था, उसके अलावा जो भी खाना था वो भी बहुत टेस्टी बना था। और ये जो हॉल है ना, वो जो गवर्नमेंट है ना वो सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है, बहुत अच्छा है, जैसे बरसात होती है, लॉन भी था लेकिन लॉन सही नहीं होता था, बरसात हो जाती तो इस वजह से इन्होंने हॉल बुक करा होगा। तो दिनों के बाद हमारे भी पिताजी का रिटायरमेंट है, तो हम भी ऐसे सोच रहे थे कि ना ऐसे यहाँ से जो भी चीज़ें अच्छी लगती वो हम पिकअप कर ले, वो भी उनका जो प्रोग्राम है वो अपने गाँव में होगा, लेकिन ऐसा डेकोरेशन वगैरह हम कर ही सकते हैं। और जैसे 2017 में हमने लास्ट टाइम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करा था, वो हम मंदिर में वगैरह जाकर आए थे, तब से हमने रक्षाबंधन हमें आया ही नहीं, सेलिब्रेशन करने का हमें मौका ही मिला नहीं सूतक काल के वजह से। और हम गांव में भी गए थे, पिछले साल भी हम गांव में गए थे, तब तो सूतक काल नहीं था लेकिन उतना हम इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। फोटो सेशन होने के बाद हम भी स्टेज पर गए थे, और देखिए वहाँ पर हम खड़े थे, देखो यहाँ पर साइड से एक टेबल लगा के रखा है, ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी गिफ्ट आते हैं या कुछ भी फ्लावर बुके कुछ भी आता है तो रखने के लिए एक से जगह चाहिए, नहीं तो इकट्ठा सामान पड़ के रहता है, वो सब ऑर्गेनाइज अच्छे करके था। और देखिए
कि यहाँ पर जो भी उनके लिए शुभेच्छा लिखी है वो भी बहुत खूबसूरत सा ऐसे बैनर्स लगा के थे, हमें बहुत पसंद है। और ये है केक बहुत टेस्टी था, बहुत दिनों के बाद हमने टेस्ट करा है। यहाँ से हम प्लेट लेकर हम खाना वाना ले सकते थे। सबसे अच्छा तो हमें ये स्प्राउट लगा। घर पर स्प्राउट आजकल बना नहीं रहे हैं थोड़ी व्यस्तता की वजह से, बनाना चाहते थे लेकिन फिर भी वो सब कुछ इधर उधर हो जाता है ना। और साथ साथ ना जो म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, बहुत मेलेडी सॉन्ग चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। खाने के साथ ऐसा ही हम कभी कभार ही कर लेते हैं ना, म्यूज़िक अच्छा अच्छा चल रहा है और अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, ऐसा कभी कभार ही हो जाता है। घर पर खाना कितना भी टेस्टी बन जाता है लेकिन हम टीवी देखते देखते टाइम चलता है, ऐसा नहीं कि हम म्यूज़िक चला रहे हैं और कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। 90s, 80s, 60s के गाने चल रहे थे, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। तो देखो हमने भी फ़ोटो निकाल रहे हैं। वीडियो मिलते ही रक्षाबंधन तो हो चुकी होगी, आशा करते हैं आपके भी रक्षाबंधन बहुत अच्छे से बीते होंगे, बहुत अच्छे से एंजॉय करते होंगे। थैंक यू सो मच।